वो अफसर जिसने तलाशा था कश्मीर में शांति का फॉर्मूला, कश्मीर में सेना का वो ऑपरेशन जिसने पत्थरबाजी आतंकवाद पर लगाई लगा, लेफ्टिनेंट जनरल की जिस ढिल्लो के दिमाग में कैसे आया था ऑपरेशन मां। कश्मीर में सेना पर चले पत्थर, आर्मी की गाड़ी पर पत्थरबाजी, कुछ सालों पहले तक ये लाइनें हर दूसरे दिन अखबारों और चैनल्स की हेडलाइन बन जाती थी। तो आखिर ये सब कैसे थम गया, इसका किस्सा हम आपको बताएंगे। इस कहानी का हीरो है कनवाल जीत सिंह ढिल्लो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल की जिस ढिल्लो की, जो 31 जनवरी 2022 को रिटायर हो गए। लेकिन उनकी सर्विस के आखिरी दौर में उन्होंने ऐसा काम किया जिसके बाद से कश्मीर में शांति बहाल होने लगी। ये सब मुमकिन हुआ ऑपरेशन मां के कारण। सेना से रिटायर हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने अपनी किताब में इसके बारे में जो बताया वो चौंकाने वाला है। ढिल्लो ने बताया कि कश्मीर में पोस्टिंग के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वहां से युवाओं को गुमराह करके पाकिस्तान भेजा जाता था। वहां से ट्रेनिंग लेकर वही युवा हाथों में बंदूक लेकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। लोकल टेररिज्म की जड़ में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि जो बच्चा पत्थरबाज बनता है वही आगे चलकर पत्थर की जगह हथियार उठा लेता है। तभी ढिल्लो के दिमाग में आया ऑपरेशन माँ। दरअसल कश्मीरी युवा अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब होते थे, इसीलिए उन्हीं माताओं के सहारे सेना ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। जनरल अपनी किताब में लिखते हैं कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए एक टेररिस्ट की जेब से उसकी माँ की चिट्ठी मिली। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि कई बार मुठभेड़ में टेररिस्ट की जेब से उसकी माँ की चिट्ठी मिला करती थी। ऑपरेशन माँ के लिए केजिस ढिल्लो दूर दराज के गाँव में जाकर युवाओं की माँ से मिलते थे तो कहते थे, माँ अपने बच्चे को हथियार छोड़ने को कहे। 83% कश्मीरी जो गन उठाते हैं या जो आतंकवादी बनते हैं उनका पत्थरबाज का इतिहास होता है, वो किसी ना किसी टाइम पर पत्थरबाज जरूर रहा होगा। आज तो सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाने पर 500 रुपए घर आ जाते होंगे, लेकिन आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट परसों का डेड बॉडी होता है। जिस दिन वो बच्चा गन उठाता है उसकी मरने का काउंटडाउन वहीं से शुरू हो जाता है। चुनना आपको खुद है। इस तरह का संवाद केवल माँ से ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ भरी पंचायत में किया जाता था। इसका असर ये होता था कि कई सारी माँ ढिल्लो से ही रास्ता निकालने की गुजारिश करने लगती थी। ढिल्लो ने अपनी किताब में बताया कि जितने भी कश्मीरी युवाओं ने हथियार उठाए उसमें से 7% पहले 10 दिन में इनकाउंटर में मारे जाते थे, 9% एक महीने में, 17% 3 महीने में, 36% 6 महीने में, 64% पहले 1 साल में ढेर हो जाते थे। इतना कड़वा सच सुनने के बाद दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे को बचाने में जुट जाएगी, और कश्मीर में गुमराह हुए बच्चों की माओं ने भी वही किया, जिसके बाद कई युवाओं ने हथियार डाले। जनरल ढिल्लो ने किताब में जिक्र किया कि ऑपरेशन माँ को सफल बनाने के लिए एक दफा ऐसा हुआ था जब मुठभेड़ के दौरान टेररिस्ट को घेर लिया गया। वो अपनी माँ से बात कर रहा था तभी अचानक उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। तब हमने उसका फोन रिचार्ज करवाया और उसे उसकी माँ से बात करवाई ताकि उस बच्चे की जान बच जाए, वो हथियार छोड़ दे। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन माँ केवल युवाओं को सरेंडर कराना भर नहीं था, इसके जरिए सेना मुख्य धारा में लौटे बच्चों को पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उठाती थी। सुपर 30, सुपर 60 जैसे इनिशिएटिव के जरिए युवाओं को 6 महीने तक एजुकेशन, हॉस्टल, स्टेशनरी, इंटरनेट समेत तमाम सुविधा मुफ्त में दी गई, जिसके जरिए 99% युवाओं को अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिला। इन सब कोशिशों के बाद जब कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया तब वहां शांति बनी रही। आज कश्मीर दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। श्रीनगर में पहली बार G20 की इंटरनेशनल समिट होने जा रही है। आज कश्मीरी युवा हाथ में बंदूक नहीं लैपटॉप लेकर अपने भविष्य को संवार रहा है ताकि वो भी भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।